नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अविराज आईएएस का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं मनीष राज आज आपको बताने आया हूं, झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में झारखंड प्रश्न पत्र के बारे में। दोस्तों आपको बता दूं कि झारखंड प्रशासनिक सेवा के प्रारंभिक परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होते हैं, पहला सामान्य अध्ययन का और दूसरा झारखंड के संदर्भ में। तो झारखंड के प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और पहले प्रश्न पत्र में भी 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले प्रश्न पत्र के 100 में से 10 झारखंड से पूछे जाते हैं और दूसरे प्रश्न पत्र वो सारा का सारा 100 प्रश्न झारखंड से ही होता है। तो झारखंड के प्रश्न पत्र में झारखंड का इतिहास, झारखंड का भूगोल, झारखंड का अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था, जनजातीय शासन व्यवस्था और यहाँ के करंट अफेयर और विविध चीज़ें पूछी जाती हैं। हम लोग आज से आरंभ करेंगे झारखंड का भूगोल। और झारखंड का कुछ भी जानकारी लेने से पहले झारखंड के नक्शे को जान लेते हैं, झारखंड के मानचित्र को जान लेते हैं। झारखंड के मानचित्र को पहले पढ़ने से ये हमें लाभ है कि हम कोई भी उद्योग धंधे, खनिज, वन, नदियां जब पढ़ेंगे तो पता होगा कि किस लोकेशन में है, तो हमें ज़्यादा अच्छे से वो याद रहेगा। तो पहले शुरू करते हैं कि झारखंड को 5 प्रमंडलों में बांटा गया है। प्रमंडल मतलब डिवीजन, हम लोग प्रमंडल को इंग्लिश में डिवीजन बोलते हैं। डिवीजन होता है जी ग्रुप्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट, उसको हम लोग डिवीजन कहते हैं, हिंदी में प्रमंडल कहते हैं। तो पहला प्रमंडल है ये संथाल परगना प्रमंडल। आप देखते होंगे विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती है जिलों को क्रमगत सजाइए या राज्यों को क्रमगत सजाइए, या तो पूरब से पश्चिम सजाइए या पश्चिम से पूरब सजाइए, उत्तर से दक्षिण सजाइए। वैसे प्रश्न में जब हमें मैप याद नहीं रहता है तो हम काफ़ी असमंजस में पड़ जाते हैं। तो वो हाल हम लोगों को झारखंड की परीक्षाओं की तैयारी में ना हो, इसको आज ही हम लोग आसान कर लेंगे। और अभी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को झारखंड के सभी 24 जिलों का नाम याद ना हो, अभी कुछ ही देर में हम लोग सभी जिले याद कर लेंगे और कौन कहाँ अवस्थित है ये भी हम लोग सीख लेंगे। तो ये संथाल परगना है, इसमें कुल जिले हैं 6, कुल 6 जिले हैं। हम लोग चूंकि सजाने का बात आता है, उत्तर से दक्षिण सजाइए, पूरब से पश्चिम, तो वैसे ही याद रखेंगे साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर और जामताड़ा। ये सीरीज में इसलिए बोल रहे हैं कि साहेबगंज सबसे ऊपर है, फिर गोड्डा है, फिर पाकुड़ है, फिर दुमका है, फिर देवघर और जामताड़ा है। तो इसी तरह सीरीज में याद रखिए साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा। जब याद करने में आसानी नहीं हो तो आप बस कंडक्टर को याद कर लीजिए, जब कभी आप सफर करते हैं, जब जल्दी जल्दी बोलता है रामगढ़ बोकारो धनबाद, रामगढ़ बोकारो धनबाद, ऐसे करके इसको याद कीजिए बच्चों के जैसे, देखिए तुरंत याद होता है। साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा, ये हुआ 6 जिले। इसका मुख्यालय हुआ जी दुमका, संथाल परगना का मुख्यालय हुआ दुमका। आगे चलते हैं, आगे है उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर कहां तक है देखिए, यह है उत्तरी छोटा नागपुर। इसको कैसे याद करेंगे ताकि क्रम से याद रहे, तो पहले जो उत्तरी छोटा नागपुर में उत्तर दिशा में है गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, उसके बाद रामगढ़, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, बोकारो, धनबाद। लगातार बोले तो गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद। उत्तरी छोटा नागपुर देख रहे हैं हम लोग, इसका मुख्यालय है हजारीबाग। और झारखंड में जितने प्रमंडल हैं उसमें से उत्तरी छोटा नागपुर एक प्रमंडल है जिसमें सबसे ज्यादा जिले हैं, कुल 7 जिले आते हैं, कुल 7 जिले, ये याद रखिए, कुल 7 जिले आते हैं, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, रामगढ़, बोकारो और धनबाद, मुख्यालय हजारीबाग। हम कोशिश करेंगे कि यहीं पे आप लोगों को याद हो जाए सारा। और यदि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिचितों में शेयर करें। आगे देखते हैं तीसरा प्रमंडल। तीसरा प्रमंडल है जी पलामू प्रमंडल। ये पलामू प्रमंडल हुआ, इसका मुख्यालय है पलामू जिले में डाल्टनगंज, जिसको मेदिनीनगर भी बोलते हैं।
इसमें तीन जिले हैं, पलामू, गढ़वा और लातेहार। क्या क्या है? पलामू, गढ़वा और लातेहार। मुख्यालय है पलामू जिला में डाल्टनगंज, मेदिनीनगर। अब आया तीसरा प्रमंडल, तीसरा डिवीजन है, क्या है? दक्षिणी छोटा नागपुर। तो उसको भी ऐसे ही याद करेंगे ताकि वो याद रहे अच्छे से। तो हम जैसे जैसे हम शब्द का उच्चारण करें, जिलों का नाम का उच्चारण करें, वैसे आप भी देखते देखते वीडियो आप रिपीट करें अपने मुंह से ताकि वो याद रहे। तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज कीजिएगा। एंटी क्लॉकवाइज करने से क्या होगा कि ऊपर से नीचे का सीरीज हमको याद हो जाएगा। तो देखिए यहां आता है, आ गया रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और खूंटी। क्या क्या है? रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और खूंटी। इसमें कुल जिले हुए पांच, पांच जिले। और मुख्यालय क्या है? हेडक्वार्टर रांची। ये हम देख रहे हैं दक्षिणी छोटा नागपुर, इसका मुख्यालय क्या हुआ? रांची हुआ। आगे चलते हैं, अंतिम है पांचवा, पांचवा परमंडल, जो झारखंड में सबसे नया परमंडल है। ये सबसे नया परमंडल है, इसको कहते हैं कोल्हान। ये कोल्हान परमंडल है, इसका मुख्यालय है चाईबासा। जिले कौन है? तीन। क्या क्या है? पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। मुख्यालय है चाईबासा। ये कौन सा प्रमंडल था? कोल्हान प्रमंडल। अब देखिए, अभी बीपीएससी में क्वेश्चन आया था, रिसेंट बीपीएससी, 68वीं बीपीएससी में, कि कौन कितने जिले, जो बिहार के जिले हैं उनमें से किस राज्य से सबसे ज्यादा जिले मिलते हैं, बिहार के जिले। तो हो सकता है वैसा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ झारखंड में आ जाए, जेपीएससी में आ जाए या जेएसएससी में आ जाए। तो वैसे में उसके लिए हम पहले से तैयार रहते हैं। अब हम लोग ये सीखेंगे कि बिहार से लगने वाले जिले, बिहार से लगने वाले जिले, पश्चिम बंगाल से लगने वाले जिले, ओडिशा से लगने वाले जिले, छत्तीसगढ़ से लगने वाले जिले और उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिले कौन कौन से हैं। बिहार चलते हैं, सीरीज में पूछता है पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम। ये आपको पता होगा, ये पूरब दिशा है, ये पूरब, पूरब दिशा है, ये इधर इधर पूरब, पूरब हुआ ये हुआ जी उत्तर दिशा, यानी कि इसको नॉर्थ बोलते हैं हम लोग। ये ईस्ट हुआ, ये साउथ हुआ दक्षिण, और ये वेस्ट पश्चिम। तो झारखंड के उत्तर में बिहार है। पूरब से पश्चिम चलते हैं झारखंड के जिले, क्या क्या है? साहेबगंज, गोड्डा, मेरे साथ आप लोग बोलते जाइए ताकि वो याद हो जाए जल्दी। साहिबगंज, गोड्डा, दुमका, देवघर, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, पलामू और गढ़वा। ये जो सीरीज में ऐसे तैयार हुआ है, इस वीडियो के अंत में वो आपको पीडीएफ मिल जाएगा नीचे, उसको देखकर आप उसका रिवीजन भी कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। तो देखिए, साहिबगंज, गोड्डा, दुमका, देवघर, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, पलामू और गढ़वा। ये हुआ जी पूरब से पश्चिम। अब चलते हैं पश्चिम से पूरब, क्या क्या है? गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज। किसी भी सीरीज से पूछे, हम उसके लिए तैयार रहे, ठीक है? उम्मीद है ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और यदि पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, इस चैनल को अविराज आईएएस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों परिचितों में शेयर करें। आगे देखते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से सटने वाले जो जिले हैं, सीमा बनाने वाले जिले, उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर हुआ ऊपर और इधर से ये दक्षिण, उत्तर से दक्षिण ऐसे चलेंगे। तो कौन कौन सा है जी? साहेबगंज, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां, जमशेदपुर। एक बार फिर से सुन लीजिए, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। इसमें एक बहुत बारीक चीज है, ध्यान दीजिएगा मैप में, देखिए कि ये जो रामगढ़ है, यदि प्रश्न ये पूछ दे कि पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करने वाले झारखंड के जिलों में सबसे कम लंबाई में कौन सा जिला सीमा साझा करता है, तो याद रखिएगा ये रामगढ़ का है। देख लीजिए, इतना कम डिस्टेंस और किसी का नहीं है। तो ये भी एक भी आई, इसको याद रखिएगा, यदि क्वेश्चन ज्यादा एडवांस लेवल का बनता है तो वहां ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है?
आगे देखिए, यदि कहेंगे हम कि दक्षिण से उत्तर चले तो कैसे जाएंगे? पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़ और साहिबगंज, ऐसे हम लोगों को याद कर लेना है। अब अगले राज्य में चलते हैं, ओडिशा। नीचे है ओडिशा, ये हुआ ओडिशा, ये हुआ ओडिशा। यहां पर पूरब से पश्चिम ऐसे ही पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा। यदि यहां भी प्रश्न आता है कि ओडिशा से सीमा साझा करने वाले झारखंड के जिलों में सबसे कम दूरी कौन साझा करता है, तो हो जाएगा देखिए ये हुआ ये जगह सरायकेला खरसावां का इलाका, तो ये ओडिशा में साझा करने वालों जिलों में सबसे कम दूरी सीमा बनाता है, ये हुआ सरायकेला खरसावां। फिर से देख लीजिए, पूरब से पश्चिम पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा, और जो उल्टा आएगा पश्चिम से तो सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। अब है छत्तीसगढ़ के साथ, तो उत्तर से दक्षिण देख लेते हैं छत्तीसगढ़ को, गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा, गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा, ये सब याद रखना है। उल्टा चलेंगे ऐसे ही सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा। अब उत्तर प्रदेश बचता है, तो उत्तर प्रदेश से एकमात्र जिला गढ़वा है जो सीमा साझा करता है। इससे और कुछ प्रश्न बन सकते हैं, देखते हैं आगे। ये नोट्स है जो पीडीएफ में आपको मिलेगा साथ में। तो सबसे पहले ये झारखंड का मैंने मानचित्र लगा दिया यहाँ पे। अब देखिए, आप लोग इसे कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे पढ़ने के बाद, कि झारखंड राज्य को 5 प्रमंडलों में विभाजित किया गया है। ये पांचों बता दिया गया, संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर, पलामू, दक्षिण छोटा नागपुर, कोल्हान, सभी का मुख्यालय लिखा हुआ है। आगे देखिए, अलग अलग से आए हैं, तो संथाल परगना प्रमंडल में जो शामिल जिले हैं 6 जिले, उसमें से कौन से जिले किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, ये भी हमको जानना जरूरी है। तो मैंने दिखाया साहेबगंज कहाँ है जी, पश्चिम बंगाल से और बिहार से, दो राज्यों से सीमा साझा करते हैं। कौन? साहेबगंज जिला है झारखंड का, वो पश्चिम बंगाल से भी सीमा बनाता है और बिहार से भी सीमा बनाता है। गोड्डा है जी, वो सिर्फ बिहार से बनाता है। पाकुड़ है, वो पश्चिम बंगाल से बनाता है। दुमका है, वो दो राज्य फिर से आ गया, दुमका पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों से सीमा बनाता है। देवघर बिहार और जामताड़ा पश्चिम बंगाल। इसी तरह से आगे चलते हैं, उत्तरी छोटा नागपुर में गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, ये कहां कहां से? तो गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, चूंकि ये उत्तरी छोर में है तो ये सभी जो है वो बिहार से सीमा साझा करते हैं। गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा बिहार से, और रामगढ़, बोकारो, धनबाद ये तीनों बंगाल से। आगे आइए, पलामू प्रमंडल था, तो पलामू में 3 जिले, पलामू बिहार से, गढ़वा देखिए ये स्पेशल है वीवीआई, गढ़वा अकेला ऐसा जिला है झारखंड का जो 3 अलग अलग राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कहाँ कहाँ? बिहार बनाता है, यूपी के साथ बनाता है और छत्तीसगढ़ के साथ बनाता है। ये इकलौता जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, क्या? गढ़वा। अगला है लातेहार, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के साथ बनाता है। आगे दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, मुख्यालय हम देख चुके हैं रांची है, 5 जिले हैं इसमें, और रांची का सीमा बनता है पश्चिम बंगाल के साथ। लोहरदगा का किसी के साथ नहीं बनता है, खूंटी का भी किसी के साथ नहीं बनता है, ये 2 जिले हैं लोहरदगा और खूंटी, और ये दोनों दक्षिणी छोटा नागपुर में ही शामिल है, यानी कि दक्षिणी छोटा नागपुर में ही है 2 जिले जिनका किसी राज्यों से सीमा नहीं बनता है। कौन कौन है? लोहरदगा और खूंटी, ठीक है। गुमला का बनता है छत्तीसगढ़ से, और सिमडेगा का छत्तीसगढ़ और ओडिशा दोनों से। अब हम आते हैं कोल्हान प्रमंडल, जो सबसे अंतिम था, बोले थे झारखंड में सबसे नया बना हुआ प्रमंडल जो था वो कोल्हान प्रमंडल था। तो कोल्हान में था पश्चिमी सिंहभूम, इसका ओडिशा के साथ बनता है जी,
पश्चिमी सिंहभूम का ओडिशा के साथ बनता है, सरायकेला खरसावां का दो राज्यों के साथ बनता है, एक तरफ ये पश्चिम बंगाल से मिलता है और एक तरफ ओडिशा से मिलता है। इस तरह से पूर्वी सिंहभूम भी है, एक तरफ पश्चिम बंगाल से सीमा बनाता है और एक तरफ ओडिशा से बनाता है। देखिए आगे जो आप लोग को पहले बता चुके हैं अभी, वो फिर से नोट्स में लिखा हुआ है पीडीएफ में, आप देख लीजिएगा कि बिहार से सीमा बनाने वाले झारखंड के जिले पूर्व से पश्चिम सजा दिया गया। गोड्डा सॉरी साहेबगंज, गोड्डा, दुमका, देवघर, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, पलामू और गढ़वा। इसी तरह से पश्चिम बंगाल के साथ हम दिखा दिए हैं, ओडिशा के साथ दिखा दिया गया है, छत्तीसगढ़ के साथ दिखा दिया गया है और उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाला जिला जो एकमात्र जिला है वो है हमारा गढ़वा। ये गढ़वा ही एक जिला है जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है और गढ़वा ही एक जिला है जो अकेले तीन तीन राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और क्या है आगे लिखे हैं कि किसी भी अन्य राज्यों से सीमा नहीं बनाने वाले जिले तो बता चुके हैं लोहरदगा और खूंटी। अब आगे आते हैं हम, ये था मानचित्र का, उम्मीद होगा कि ये याद हो गया होगा आपको और यदि याद ना हुआ तो एक बार फिर से पीडीएफ देख लें, वीडियो देख लें और यदि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो जरूर इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और परिचितों में शेयर करें। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, क्योंकि झारखंड फेमस है खनिज संसाधन के लिए। पूरा हिंदुस्तान में यदि कोई राज्य है जो सबसे संपन्न है खनिज संसाधन में, मिनरल्स में, वो हमारा झारखंड है। और यहाँ झारखंड में पूरे हिंदुस्तान का 40% खनिज संसाधन हमारे यहाँ मिलता है। देखिए ये मिनरल मैप ऑफ झारखंड लगा दिया गया है, कहाँ कहाँ क्या मिलता है वो इसमें इंडिकेट है, आपको पीडीएफ में मिल जा रहा है, पहचानने के लिए यहाँ पे साइन दिए हुए हैं। और आते हैं आर्थिक सर्वेक्षण, जो इकोनॉमिक सर्वे होता है उसमें झारखंड सरकार ने बताया है जो डेटा, तो कुछ मैंने डेटा यहाँ पे दिया है जो अपडेटेड है, अभी तक वो इस साल के तो बुक नहीं आए हैं अभी कोई नए बाजार में, लेकिन ये आपको अपडेटेड मिल जा रहा है जो आर्थिक सर्वेक्षण से लिया गया डेटा यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए तो क्या है कि झारखंड खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्य है, अग्रणी माने आगे है, यानी कि हम सबसे आगे में हैं। क्या कह रहा है यहाँ पीडीएफ में थोड़ा गलत ये हो गया है एडिट, इसको रूप लिखा गया, रूर कहना है, रूर को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको आप कट कर देंगे, रूर, ठीक है, रूर। झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है, भारत का रूर। देखिए अधिकांश किताबों में आपको मिल जाएगा कि भारत का रूर कहा जाता है, फिर बच्चे खोजने में माथा खराब करते हैं कि ये रूर क्या था, तो मैं बता देता हूँ, मैंने यहाँ इंडिकेट के लिए लिख दिया है कि रूर जर्मनी में है। रूर एक जगह है जो जर्मनी में है, हमारे झारखंड के जैसा ही, वो भी खनिज संपदा में बहुत संपन्न है, इसलिए जैसे जर्मनी में रूर का स्थान है वैसे हमारे हिंदुस्तान में झारखंड का स्थान है, इसलिए इसको भारत का रूर कहा जाता है। रूर कहाँ है जी, जर्मनी में है, ठीक। क्या लिखे आगे, देश के कुल खनिज का लगभग 40% खनिज झारखंड राज्य में पाया जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा हम हैं। और आगे है कि ये इकोनॉमिक सर्वे वाला हम लाए हैं डेटा, कुछ ये यहां से यहां तक को देख लीजिएगा अभी, कि विभिन्न खनिजों के भंडार की दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान इस प्रकार है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021। यहाँ दो वर्ड आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन में भी मिलेंगे और अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक भंडार होता है, एक उत्पादन होता है, यानी कि एक स्टॉक होता है और एक प्रोडक्शन होता है। हम लोग कुछ खनिजों के मामले में भंडार में आगे हैं, स्टॉक में आगे हैं, कुछ खनिजों के मामले में उत्पादन में आगे हैं। कहीं जैसे भी कोयला है तो कोयला के भंडार में हम भारत में सबसे आगे हैं, पहले स्थान पर, लेकिन जब उसका प्रोडक्शन का बात होता है तो हम तीसरे नंबर पर आ जाते हैं। तो वो हमेशा ध्यान रखिएगा प्रश्न पत्र में कि भंडार लिखा हुआ या उत्पादन, जो लिखा हुआ उसी के डेटा में आपको टिक करना है। तो देखिए कोयला भंडार में हम पहला है, भारत में सबसे ज्यादा कोयला का स्टॉक जो भंडारित है जमीन के अंदर, उसमें झारखंड एक नंबर में है। कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक, कुछ दिन पहले सर्वे हुआ था तो आंध्र प्रदेश में इसका बहुत भंडार मिला है, भंडार के मामले में झारखंड से ज्यादा भंडार आंध्र प्रदेश में है, लेकिन अभी तक वहां पे प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है। प्रोडक्शन में एकमात्र प्रोडक्शन हम लोग करते हैं, यानी कि झारखंड।
कोकिंग कोल और कोयला, ये डिफरेंस क्या है? तो कोकिंग कोल होता है जी, जैसे हम लोग पढ़े होंगे बचपन में कि कोयला का अच्छा क्वालिटी या अच्छा किस्म वो कहलाता है जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक हो और विशुद्धियां या अशुद्धियां कम हो। तो जिस प्रकार के कोयले में कार्बन का मात्रा अत्यधिक हो, विशुद्धि ना के बराबर हो या कम से कम हो अशुद्धियां, वो कोकिंग कोल कहलाता है और वो बेहतरीन क्वालिटी के कोयले कहलाते हैं। उसका उपयोग हम लोग धातु कर्म में करते हैं, यानी कि जैसे अभी लोहा इस्पात केंद्र होगा, जो आयरन एंड स्टील का उद्योग होगा, वहां पे हम लोग कोकिंग कोल यूज करेंगे। बाकी कोयला तो घर में भी खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, तो घर में जब खाना बनाते होंगे देखते होंगे उसका काफी राख निकलता है और उसका बचा हुआ जो अशुद्धि बहुत बच जाता है, लेकिन जो कोकिंग कोल होता है उसका अधिकांश मात्रा जल जाता है क्योंकि वो कार्बन ही होता है। कोकिंग कोल को यहाँ कहाँ यूज करते होंगे झारखंड में हम लोग? आयरन स्टील का है ना हमारे पास उद्योग, कहाँ कहाँ है? टाटा में है और एक बोकारो में है, तो वहां पे जो लगेगा वो एक कोकिंग कोल होगा जी। और ये सामान्य कोयला वो कहीं भी यूज होता है, ईंट के भट्टे में भी होता है, घर में भी होता है, कपड़ा इस्त्री करने वाला भी लगाता है और भी जगह होता है। चलिए तो क्या देखें, कोयला भंडार में हम लोग सबसे आगे हैं और कोयला उत्पादन का भी बात करेंगे, देखिए हम लोग तीसरे नंबर में हैं। उत्पादन में तीसरे नंबर में, भंडार में एक नंबर में, तो ये हमेशा याद रखिएगा भंडार और उत्पादन में डिफरेंस है। कोकिंग कोल का मतलब बता दिए, एकमात्र उत्पादक झारखंड है। और दूसरे नंबर में जाएंगे तो लौह अयस्क, देखिए यहां भी एक वर्ड आया जिससे आपको परिचित होना चाहिए, लौह अयस्क लिखा हुआ है, लोहा नहीं लिखा हुआ है। आयरन ओर कहते हैं इसको इंग्लिश में। आयरन ओर क्या होता है जी? जब जमीन से सीधा हम उसको खुदाई करके निकालते हैं, जो कच्चा माल होता है ओर, उसको आयरन ओर बोलेंगे। तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है लोहा में और लोहा अयस्क में? जमीन से जब निकालते हैं उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, मतलब उसको सोच लीजिए कि एक बालू के जैसा, मिट्टी की तरह निकालते हैं गड्ढे से, खान से, माइन से। तो उसमें मिट्टी भी हो सकता है, बालू भी हो सकता है, कुछ एल्यूमिनियम का मात्रा हो सकता है, कुछ तांबा हो सकता है, कुछ राख हो सकता है। तो वो सब चीज जो विशुद्ध, बहुत सारा विशुद्धि होता है इसमें, तो वो लौह अयस्क कहते हैं जो कच्चा सीधा जमीन से निकाला गया है। इसको फिर से इसको प्यूरीफाई करके, इसको संशोधित करके अच्छे से उद्योग में जब इसको लोहा बना देते हैं प्यूरीफाई करके, तो वो हो जाता है लोहा। यही डिफरेंट है लौह अयस्क और लोहा में, यानी कि आयरन ओर और आयरन में। आयरन ओर हुआ कच्चा माल। यूरेनियम भंडार में दूसरा स्थान मेरा, लेकिन उत्पादन में हम लोग एक नंबर में हैं। ये तो काफी पॉपुलर क्वेश्चन है झारखंड के लिए कि यूरेनियम कहाँ मिलता है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि झारखंड में यूरेनियम कहाँ मिलता है, बहुत फेमस नाम है। आगे चलिए, ये तीसरा देख लीजिए, तांबा अयस्क, फिर वही अयस्क लिखा है, यानी कि कच्चा तांबा जो जमीन से हम सीधे खुदाई कर रहे हैं, प्योर वो नहीं बना लिए जिससे हम ज्वेलरी या फिर बर्तन बना लेंगे, वो प्योर होगा। उसके पहले बर्तन या ज्वेलरी बनाने के रूप में यूज करने के पहले जो है कच्चा वाला, उसको हम लोग तांबा अयस्क कह रहे हैं। उम्मीद है ये सब जानकारी आपको पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही है तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल है अविराज आईएएस, और लोगों में शेयर भी करें। आ जाइए आगे, लौह अयस्क देखते हैं। आयरन ओर लिखा है मैंने यहाँ पे, आयरन ओर यानी कि कच्चा लोहा का बात कर रहे हैं हम लोग। जब उद्योग पढ़ेंगे उद्योग, तो पक्का लोहा का बात करेंगे, जहाँ टाटा के बारे में पढ़ेंगे, जमशेदपुर और बोकारो के बारे में। अभी यहाँ वो नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ अभी पढ़ेंगे पश्चिमी सिंहभूम के बारे में, सिंहभूम के बारे में जहाँ खान से कोड़ा जाता है ये, ठीक है? देखिए देश के कुल लौह अयस्क भंडार का लगभग 26%, ये 26% झारखंड राज्य में निक्षेपित है, मैंने जमा है, निक्षेप मैंने जमा है। 26% पूरे इंडिया का 26% लौह अयस्क हमारे पास जमा है। झारखंड में उपलब्ध लौह अयस्कों में 99% भाग हेमेटाइट वर्ग के लौह अयस्कों का है, यानी कि ये अच्छा क्वालिटी का होता है, इसमें लोहा ज्यादा निकलता है। जैसे कुछ एक ढेर 5 किलो का मिट्टी का ढेर निकाले, उसमें से लोहा निकला खान से 1.5 किलो या 1 किलो, और यदि ज्यादा निकलता है, अच्छा निकलता है, ज्यादा मात्रा में लोहा निकलता है, यानी कि ये वह हेमाटाइट का। आपको मैं दिखा दूं, आप लोगों ने शायद आयरन ओर देखा नहीं होगा, मैंने आपके लिए रखा है इसे, आयरन ओर मैं दिखाता हूं कैसा होता है।
दो बार कर रहा है क्या? चलिए ये देखिए, ये है आयरन ओर, ऐसे ही निकलता है जमीन से। देखिए इसमें अलग अलग, बीच में आपको शायद दिख रहा हो जूम करके, कहीं येलो कुछ दिख रहा है, कहीं कुछ व्हाइट दिख रहा है, तो ये सब अशुद्धियां हैं। इससे फिर निकाला जाएगा प्योर लोहा, तब ये बन जाएगा लोहा। यही आयरन ओर है आपका। चलिए तो क्या था कि 26% झारखंड में भंडारित है, और जो झारखंड में जो टोटल लोह अयस्क मिलता है, लोह का खनिज मिलता है, उसमें से 99% कौन सा टाइप है लोहा का? हेमेटाइट है। हेमेटाइट लोहा के चार प्रकार होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सेरोडाइट। ये आइए आगे, सिंहभूम के दक्षिणी भाग, सिंहभूम के दक्षिणी भाग में स्थित नोवामुंडी, गुवा, पंसीराबुरु, बादाम पहाड़, जामदा, गुरु महिसानी, किरीबुरु, चिरिया, ये जो है ये लोहे के प्रमुख खान है। कौन कौन? नोवामुंडी, गुवा, पंसीराबुरु, बादाम पहाड़, जामदा, गुरु महिसानी, किरीबुरु, चिरिया आदि लोहे के प्रमुख खान है। ये सब नाम थोड़े से उटपटांग है, इसलिए बार बार उच्चारण करके आप याद कीजिएगा, तभी याद होंगे। मैं मैप में दिखा देता हूँ ये कहाँ पे है। ये देखिए नोवामुंडी, जितना भी आप लोग नाम देखा, ये इतने ही दूर में स्थित है ये सब लोहा का। ये झारखंड में कुछ जगह पे मैग्नेटाइट लोहा भी पाया जाता है, जो हेमेटाइट से भी उच्च दर्जे का है, जिसमें लगभग 72% लोहा का अंश निकल जाता है। अयस्क से प्यूरिफायर करने पर 72% लोहा निकल जाता है। वो मैग्नेटाइट का इधर पलामू में मिलता है, हजारीबाग में मिलता है, लातेहार में मिलता है। ये देखिए पलामू में एक यहाँ किया हुआ इंडिकेट, या लातेहार में किया गया, हजारीबाग में मिलता है, गुमला में मिलता है। ये सब चीज मैग्नेटाइट का हुआ, ये हेमेटाइट का है। तो ये बहुत कम प्रतिशत में मिलता है, बहुत कम में, सिर्फ नाम के मांग के लिए। यहाँ ज्यादा मात्रा में भंडारित है ये झारखंड के दक्षिणी छोर में, मैप से याद रखिएगा। और क्या था कि राज्य में मैग्नेटाइट लौह अयस्क के भंडार पूर्वी सिंहभूम, पलामू, गुमला, हजारीबाग तथा लातेहार जिले में मिलते हैं। दिखा दिए वो मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट से ज्यादा उच्च दर्जा का होता है, इसमें ज्यादा लोहा मिलता है मैग्नेटाइट में, किसके तुलना में? हेमेटाइट की तुलना में। तो ये कम मात्रा में मिल रहा है हमारे यहाँ, ज्यादा मात्रा में जो हेमेटाइट है, और पूरे लौह अयस्क जितना मिलता है उसका 99% झारखंड में हेमेटाइट है, ये बता चुके हैं। अब आइए मैग्नीज, तो मैग्नीज देखने के पहले मैग्नीज आपको दिखाते हैं, मैग्नीज होता कैसा है। आप लोगों के लिए सारी सुविधाएं रखी गई है ताकि आप लोग अच्छे से इसको सीख सकें। ये देखिए मैग्नीज, ये हुआ मैग्नीज, जो अयस्क निकालते हैं मैग्नीज का, ये है ऐसा। देखिए मैग्नीज का ही है ये, तो मैग्नीज में क्या है कि मैग्नीज का उपयोग, यहाँ मिस्टेक हुआ है टाइप करने में, यह उपयोग होगा, ये मैग्नीज का उपयोग, मैग्नीज का उपयोग इस्पात बनाने, यानी कि जो आयरन स्टील बनाते हैं, एवं सूखी बैटरी व रसायन उद्योगों में होता है मैग्नीज का उपयोग। ये विज्ञान का भी प्रश्न हो गया कि मैग्नीज कहाँ कहाँ यूज होता है, तो स्टील बनाने में होता है, सूखी बैटरी बनाने में, और रसायन उद्योगों में होता है। यह मैग्नीज यहाँ पर जो झारखंड में मैग्नीज के तीन प्रमुख क्षेत्र हैं, तो तीन प्रमुख क्षेत्र क्या है? एक है गुआ से लिमटू, एक एरिया है जो गुआ से लिमटू तक एक फैला हुआ इलाका, गुआ से लिमटू, वो एक है। दूसरा है चाईबासा से बरजामुंडा, ये भी एक जगह होगा जो चाईबासा से लेके बरजामुंडा के इलाके तक पट्टी है, उस पट्टी में मैग्नीज मिलता है। तीसरा है बड़ा जामदा से नोवामुंडी,
तो तीन बेल्ट हैं इसके, एक गोवा से लिमटू, चाईबासा से बरजामुंडा और बड़ा जामदा से नोवामुंडी। अन्य प्रमुख जो खान है, कालेंदा, बंसाडेरा, पंसारी बुरु और पहाड़पुर। तो इसमें से कोई भी नाम आपको एग्जाम में पूछ दे सकता है कि गोवा से लिमटू का बेल्ट जो है क्षेत्र है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। तो जहां मैग्नीज मिलेगा वही मारेंगे। कालेंदा और बंसाडेरा लिख दे, पूछे कि यह क्यों प्रसिद्ध है या किस खनिज से संबंधित है, तो हम लोग मैग्नीज करेंगे। ये इसलिए भी ज्यादा अच्छा से याद रखना क्योंकि हम लोग के, हम तो पहले बता चुके हैं कि झारखंड खनिजों में बहुत संपन्न है, देश में सबसे ज्यादा संपन्न है, तो स्वाभाविक सी बात है कि सबसे ज्यादा खनिजों के बारे में पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। तो जब बहुत सारे खनिज आ जाएंगे तो फिर ये डाटा आपको ऊपर नीचे लगने लगेगा कि कौन सा कहाँ होगा। इसलिए जो जो बताया जा रहा है, जो इसमें नोट्स में है, को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए। और एक क्या है, एक यूजफुल क्या है कि मैग्नीज जो है वो धारवार चट्टानों से प्राप्त होता है। आप लोगों ने प्राकृतिक बनावट में देखा होगा भारत का कि कौन कौन सा शैल का क्रम जो कहाँ कहाँ है, तो जहाँ धारवार चट्टान होगी वहीं पर ये मैग्नीज मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आप लोग को कैसा लगा आज का क्लास। मैं मनीष राज आगे भी अविराज आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपसे मिलूंगा और झारखंड की तैयारी में काफ़ी आपको सहूलियत हो जाएगी, इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।